हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है, बहुत जोर शोर से झमाझम बारिश हो रही है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है दिन के 12 या 12:15 बज रहे हैं। तो लेकिन मौसम को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि दिन का टाइम हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत कोरा सा, आप सामने आप देख रहे होंगे सामने का नज़ारा, तो इस तरीके से अंधेरा सा हो रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि दिन का टाइम हो रहा है। तो दिन का टाइम हो रहा था, फिर लंच की तैयारी करनी थी, तो मैं यहाँ पे चावल साफ़ कर रही थी। तो चावल में इस टाइम चावल थोड़े से ख़राब हैं, आए हैं घर पर, थोड़े जो चावल लेके आए इस बारी ख़राब आए हैं तो साफ़ करने पड़ते हैं। तो इनमें जो है चावल के बाहर का जो छिलका वगैरह होता है वो सब इसमें है कहीं, और कहीं गेहूँ वगैरह भी इसमें मिक्स हैं काफ़ी। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पे बिन रही थी, आपने भी मेरे हाथ में भी देखा होगा, ये सब चीज़ें निकाल रही हूँ इसमें से। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में और चावल में बाहर बैठ के साफ़ कर रही थी। तो किचन में आने के बाद मैंने चावल तो चढ़ा दिए हैं गैस पे, और फिर मैं यहाँ पे प्याज वगैरह छील रही थी। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्याज लिए हैं, क्योंकि आज मेरा मन हो रहा था कि बारिश हो रही है तो चलो मैंने कहा आज कढ़ी चावल बनाते हैं। तो कढ़ी चावल जब बनते हैं तो सादी नहीं बनती है, उसमें पकौड़े भी बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज मैं प्याज के पकौड़े बना रही थी, क्योंकि इससे कभी मैं सादे वाले बना लेती हूँ पकौड़े, जैसे बेसन के बनते हैं ना उस टाइप के। तो आज मेरा मन किया कि चलो पकोड़े प्याज प्याज के बनाते हैं, आलू भी नहीं डालूंगी, बस प्याज प्याज के ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे वही मैं फिर प्याज वगैरह छिल रही थी, और प्याज वगैरह छिल के फिर मैं इसको लंबी लंबी इसके स्लाइस कर लूँगी, स्लाइस में काटूंगी इसको। तो वही मेरे को अच्छे लगते हैं पकौड़े में, और आप सब भी कैसे बनाते हैं वो ज़रूर मुझे बताना। तो देखिए मेरा प्याज यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है, और चावल पे भी सीटी आ चुकी है एक। तो यहाँ पे फिर मैंने बेसन लिया, और बेसन का पैकेट खोला नहीं था, तो फिर वही मैं यहाँ पे उसे काट के फिर खोल रही थी। तो बेसन मैंने मिक्स किया प्याज में, और फिर मैंने मसाले वगैरह इसमें ऐड करूँगी अब, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और फिर पहले हाथ से इसे मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पे पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पतला बनाऊँगी तो फिर पकौड़े अच्छे नहीं लगते, तो उसके थोड़ा सा थिक सा इसका पेस्ट बनाऊँगी मैं। तो पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैंने गैस पे यहाँ पे कढ़ाई रखी, और कढ़ाई रखने के बाद फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, और ऑयल गर्म हो जाएगा तब फिर मैं यहाँ पे पकौड़े तलूँगी। तो फिर पकोड़े तलने की तैयारी हो चुकी है, मतलब जैसे भी आप देख रहे होंगे कि मैंने पकोड़े तलने के लिए छन्नी वगैरह निकाली यहाँ पे, प्लेट वगैरह। तो फिर यहाँ पे एक बारी फिर दोबारा हाथ घुमा रही हूँ इसमें, और फिर आप देखिए यहाँ पे ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे तल रही हूँ पकौड़े। तो पकौड़े मैं 4 से 5 ही यहाँ पे थोड़े थोड़े करके ही तलूँगी, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी है और ज़्यादा पकौड़े इसमें नहीं आ पाएंगे, तो मैंने ऑयल भी कम ही डाला था इसमें ना। तो फिर थोड़े थोड़े करके एक दो बारी में तल के फिर मैं निकालूँगी। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कांटे वाली चम्मच जो फॉग होती है, क्योंकि मैं उसी से ही पकौड़े, मतलब जब भी बनाती हूँ उसी से ही चेंज करती हूँ, मुझे उससे ना इजी लगता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं आप लोगों को लगता होगा या नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे इससे बहुत इजी लगता है। आप सोच रहे होंगे ना कि करछी वगैरह से पलट लो, इससे क्यों नहीं पलट रही हो, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ईजी लगता है। तो यही वही फिर मैंने एक बारी के चेंज करके फिर ये दूसरी बारी के निकाल रही हूँ, और आप देख रहे होंगे पकौड़े तल के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने यमी से लग रहे हैं पकौड़े ना प्याज के। तो फिर यही पकौड़े एक बारी के तैयार हो चुके हैं, और फिर अब मैं यहाँ पे कढ़ी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी छौंकने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक प्याज लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च ली है। वैसे कई लोग प्याज को ना कढ़ी को प्याज से नहीं छौंकते हैं, बट मुझे ना बिना प्याज के फिर कढ़ी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, फिर मैं प्याज वगैरह डालती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लोग प्याज से नहीं छौंकते हैं कढ़ी को, मतलब ऐसे सिंपल छौंक लेते हैं, मतलब जो भी ज़ीरा वगैरह डाल के ना, लेकिन मैं प्याज से ही छौंकती हूँ। तो फिर मैंने वही यहाँ पे प्याज वगैरह काटी, और फिर 4 से 5 हरी मिर्च ली, वो भी मैं यहाँ पे बारीक बारीक काट रही हूँ। तो फिर यहाँ पे कट गई हैं, और अब हम छौंकेंगे कढ़ी। तो फिर मैंने यहाँ पे पतीली ली है, पतीली में मैंने यहाँ पे जो लस्सी लेके आई थी वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ।
और उसे एक दो बारी चम्मच से देख के घोल के देख रही थी। तो फिर एक पहले मैंने सोचा कि चलो पहले पतीली में बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि चलो पतीली में ना करके और जिसमें मैंने पकौड़ी का पेस्ट बनाया था उस वाले बर्तन में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो भी ख़राब ये भी ख़राब। तो मैंने सोचा चलो इसमें वैसे भी साइड इसके कोने कोने पे पेस्ट लगा भी था, तो चलो मैंने कहा ये कड़ी में यूज़ हो जाएगा, तो इसीलिए फिर मैंने इस वाले बर्तन को यूज़ किया। इसमें मैंने फिर वही कड़ी डाल बेसन वगैरह डालने के बाद फिर मैंने इसमें नमक मिर्च धनिया वगैरह सारे मसाले जो भी होते हैं वो मैंने इसमें ऐड करे, और फिर मैंने चम्मच हटा के हाथ से ही मतलब इसको फेंट रही थी, क्योंकि हाथ से ना ठीक हो जाती है, क्योंकि बेसन में गुठलियाँ वगैरह गांठ बन जाती है ना गोली गोली टाइप की, तो फिर वो नहीं बनती, वो मैंने फिर हाथ से ना अच्छे से इसको कर लिया, तो इसलिए मैंने चम्मच हटा दी थी, तो गुठलियाँ वगैरह रह जाती है ना कभी, तो फिर अच्छी नहीं लगती कड़ी में, तो इसलिए मैंने कहा चलो इससे हाथ से अच्छे से करके, और फिर मैंने हाथ वगैरह धो लिया, मैंने कहा चलो अभी छौंकती हूँ कड़ी, क्योंकि अगर हाथ ना धोती फिर वो कड़ी फिर करछी पे जो लगती है फिर करछी गंदी होती है, तो मुझे नहीं ठीक लगता। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि एकदम से ट्राईपोड से ना फ़ोन नीचे गिर गया था, पता नहीं कैसे स्लिप हो गया था और वो गिर गया, तो आप इग्नोर करना। और यहाँ पे मैंने गैस पे फिर कढ़ाई रखी और फिर ऑयल वगैरह डाल के ज़ीरा वगैरह डाल के यहाँ पे और जो मैंने प्याज की लंबी लंबी स्लाइस की थी वो यहाँ पे डाली हैं, क्योंकि कड़ी छौंकने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे प्याज वगैरह डाल के और फिर इसको मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक फिर मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने कड़ी के लिए घोल बनाया है मतलब लस्सी का वो मैं इसमें डालूँगी। और देखिए यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है काफ़ी, और हरी मिर्ची भी डाली थी वो भी यहाँ पे भुन गई अच्छे से, तो फिर जो मैंने यहाँ पे इसका जो घोल बना के तैयार किया था वो मैंने यहाँ पे डाला, फिर उसके बाद थोड़ा पानी इसमें डाला, ऊपर से आपने देखा होगा पानी अपने हिसाब से डालूंगी जितना भी डालना होगा, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट कढ़ी को अच्छे से पकने दिया, और जब कढ़ी अच्छे से पक गई 10 से 15 मिनट तो फिर मैंने यहाँ पे जो पकोड़े बनाए थे वो मैंने इसमें डाले हैं, और आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे कढ़ी, बहुत ही यमी लग रही है, और ऐसा लग रहा है ना कि अभी फिर से मिल जाए कढ़ी चावल तो फिर से खा लूँ, क्योंकि मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और फिर ऊपर से मैंने मेरे पास मतलब घर पे हरा धनिया तो था नहीं, तो फिर मैंने जो कस्तूरी मेथी होती है वो मैंने डाली, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी मेरे चैनल पर नए आएँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मुलाकात।